अस्सलाम वालेकुम किड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा 9th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट देखेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट का बायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो हमारे बुक में 3 मुस्लिम साइंटिस्ट मेंशन हैं। जो पहले हैं जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान का जो पीरियड है 722 से लेकर 817 तक है। ये ईरान में पैदा होते, बॉर्न इन ईरान, वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में भी काम किया था और इन्होंने कुछ बुक्स लिखे थे जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। अल नबातात, इसका मतलब क्या होता है, ये प्लांट्स के बारे में बुक है। नबातात का मतलब होता है प्लांट्स। एंड दूसरा इनका बुक है अल हेवान, जो एनिमल्स के बारे में है। उसके बाद जो सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे बुक में मेंशन है वो कौन है, अब्दुल मालिक असमाए हैं, ग्रेट जोलॉजिस्ट। ये बड़े जोलॉजिस्ट थे। इनका जो पीरियड शुरू होता है 741 से 828 तक है। इनके जो बुक्स मेंशन है हमारे बुक में, अल खेल, खेल अरबिक में है शायद, इस वजह खेल अरबिक में मेंशन है। अल खेल, खेल कहते हैं हॉर्स को, ऑन द हॉर्स है। और दूसरी है अल इब्ल, जो अल इब्ल इनकी बुक है, ऑन द कैमल है। अल शत शीप पे है। अल वहूश, वहूश अरबिक में कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स को कहते हैं। और इनकी दूसरी बुक क्या है, खलक अल इंसान, ए डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन। इंसान के बॉडी के डिफरेंट पार्ट और उनके फंक्शन के बारे में ये बुक है। तो जो आखिरी हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, बू अली सेना, ग्रेटेस्ट इन ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे कौन हैं, बू अली सेना। इनका पीरियड देखें तो 1980 से लेकर 1037 तक है। और ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन, इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और वेस्ट के जो लोग हैं इनको क्या कहते हैं, एवसेना के नाम से इनको जानते हैं। आइडेंटिफाई डिजीज, इन्होंने बहुत डिजीज आइडेंटिफाई की, कौन कौन सी टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, और मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बच्चों क्या होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम में उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है डिफरेंट मेडिसिन वगैरह यूज़ करने से इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का भी इन्होंने काम किया था, तो उससे मेनिनजाइटिस का, उर्दू में जैसे गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। उसके बाद ही वर्क फील्ड मैथमेटिक्स की फील्ड में काम किया, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बच्चों क्या होता है, स्टडी अबाउट स्टार्स, स्टार का भी इलम रखते थे। फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में भी इनको इलम था। पैलेंटोलॉजी जैसे ब्रांचेस में हमने डिस्कस किया था, फॉसिल्स का भी इनको इलम था। एंड म्यूज़िक के बारे में भी इनको इलम था, म्यूज़िक का भी इलम था। तो देखें ये कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितनी फील्ड्स में इन्होंने काम किया है। इनके जो फेमस बुक हमारे बायोलॉजी किताब में मेंशन है वो कौन कौन से हैं, अल क़ानून और दूसरा क्या है, फिल तिब्बि शिफा। ये दो बुक उनके मेंशन है हमारे बुक में। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को